कहते हैं सियासत का भी एक वक्त होता है, अगर वक्त से आप चूक गए तो उसी के तरह है जैसे पेड़ से चूका हुआ बंदर अपने बिरादरी से बाहर कर दिया जाता है। लगातार बिहार की राजनीति में कई ऐसे नाम हैं, कई ऐसे चेहरे हैं। एक तो आनंद मोहन की चर्चा आप खूब सुन रहे होंगे, और उन्हीं के समय के एक और नेता हैं पप्पू यादव। पप्पू यादव पिछले कई वर्षों से लगातार बिहार की राजनीति में सक्रिय हैं। उनकी सक्रियता तो दिल्ली में भी रही है, जब तक सांसद रहे हैं अपने सरकारी आवास पर मानव सेवा को लेकर के उन्होंने सेट बना रखा था, और जो बिहार से लोग जाते थे या देश के किसी भी हिस्से से जाते थे तो उनके इलाज की व्यवस्था उनके यहाँ बजाबते एक टीम के द्वारा की जाती थी और उनकी सुविधाओं का ध्यान रखा जाता था। जब उनका आवास खाली करना पड़ा तो काफ़ी मायूस भी थे। इस बीच पप्पू यादव कई बातों को लेकर के फेमस हुए। पप्पू यादव को लेकर के ये भी कहा जाता है कि वो बाहुबलियों में से, जो एक लिस्ट है बाहुबलियों की, उसमें से एक हैं। कई केस उन पर चल रहे हैं, और कई केस चलने के बाद जिस तरह की बातें सामने आ रही हैं वो साफ बताती हैं कि पप्पू यादव के लिए अब अपने राजनीतिक जीवन में बहुत बड़ा बड़ा जो मकसद था वो नहीं रह गया है। बल्कि जिस तरह से उन्होंने लोगों की सेवा करके और अपने तरफ लोगों को शिफ्ट कराने का प्रयास किया, उसका फ़ायदा उनको नहीं मिला। 2020 का चुनाव हो या फिर 2019 का चुनाव हो, दोनों ही चुनाव में उनकी जो स्थिति हुई वो सबने देखा। उसके बाद पप्पू यादव ने 2019 में भी और 2020 में भी प्रयास तो ये रखा था और किया भी था कि उन्हें किसी ऐसे गठबंधन का साथ मिल जाए जिस गठबंधन से उनकी नैया पार हो जाए, लेकिन ऐसा भी नहीं हुआ। ये पूरी कहानी हम आपको इसलिए बता रहे हैं कि पप्पू यादव लगातार पिछले 15-20 दिनों से एक्टिव नजर आ रहे हैं, और उनका एक्शन यहाँ तक बढ़ गया है कि अपने पुराने घर जिसको उन्होंने त्याग दिया था, 36 का आंकड़ा चल रहा था, वहाँ भी जाने से गुरेज नहीं किया। लालू प्रसाद के आवास पर एक लंबे समय के बाद पप्पू यादव गए थे और लालू प्रसाद की अनुपस्थिति में गए थे, ये सबसे बड़ी बात थी। तेजस्वी यादव के बुलावे पर वो लालू आवास पर इफ्तार पार्टी में शामिल होने गए थे, सम्मान भी काफ़ी मिला, और उसके बाद उनका ये सिलसिला जारी रहा। जहाँ जहाँ इफ्तार पार्टियाँ होती रहीं वहाँ वहाँ जा करके उन्होंने अपनी उपस्थिति दर्ज की, और ये दिखा रहा था कि महागठबंधन के तरफ उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर हो गया है। लॉकडाउन के पीरियड में आपको याद होगा कि उन्होंने एक बड़ा खुलासा राजीव प्रताप रूढ़ी को लेकर के किया था, जिसके बाद उन्हें जेल जाना पड़ा था और ये अभियान वहीं का वहीं रह गया था। ये सारी चीज़ें पूरी तरह से आप जानते हैं, लेकिन अब ऐसा लग रहा है, और जिस तरह की बातें पप्पू यादव ने कही भी कि उन्होंने बिहार में तेजस्वी यादव से सीधे टकराव का रास्ता बंद कर दिया है, अब तेजस्वी यादव को सपोर्ट करेंगे और तेजस्वी यादव के मुख्यमंत्री बनने के लिए जो ज़रूरी चीज़ें होंगी वो भी उपलब्ध कराएंगे, ऐसा उनके बयानों से साफ नज़र आ रहा है। पप्पू यादव ने जब तेजस्वी यादव के यहाँ इफ्तार पार्टी में गए थे तब भी उनके बयानों से साफ था कि महागठबंधन इस बार भारतीय जनता पार्टी और NDA को बुरी तरह से परास्त करेगी और नरेंद्र मोदी को केंद्र की सत्ता पर नहीं बैठने देगी। तो वहीं कल और भी बड़ी बातें हो गई। कल तो उन्होंने जब इफ्तार पार्टी हो रही थी कांग्रेस की, उसमें भी शामिल हुए और मीडिया चैनलों से बहुत बात किया। एक निजी चैनल से बातचीत के दौरान उन्होंने बहुत सारी बातों का खुलासा किया। उन्होंने स्पष्ट किया कि बिहार में जो ये ज्वार भाटा उठा है इसका परिणाम बहुत जल्द देखने को मिलेगा। उनसे जब ये पूछा गया कि आपका अगला पड़ाव क्या होगा, आपकी राजनीतिक गतिविधि जो है वो किस तरफ शिफ्ट कर रही है, तो उन्होंने बड़े खुले अंदाज में कहा कि उनकी पत्नी कांग्रेस में है तो निश्चित रूप से वो चाहेंगे कि कांग्रेस और महागठबंधन में वो रहें, और उनकी प्रायोरिटी है भारतीय जनता पार्टी का जो विध्वंसक चरित्र है उसको रोकना। इन सारी बातों के साथ साथ एक बात तो साफ नज़र आई कि जो टकराव तेजस्वी यादव और वो लगातार कहते थे कि लालू यादव के राजनीतिक पुत्र वो हैं, ये सारी बातें अब बीते दिनों की हो गई हैं, और ऐसा लगता है कि पप्पू यादव को भी मानव सेवा करते करते इस बात का एहसास हो गया है कि उन्हें कुनबे में ही रहना होगा, अकेले वो कितना भी कुछ कर लें कुछ होने वाला नहीं है। राजनीतिक रूप से काफ़ी सक्रिय रहते हैं पप्पू यादव, और उनकी सक्रियता ऐसा लगता है कि बिहार के लोगों के
सेवा में और ज़्यादा मजबूत होनी चाहिए। और इसी उद्देश्य के साथ और एक भारतीय जनता पार्टी के साथ बड़ी लड़ाई लेने के लिए पप्पू यादव जैसे नेताओं का होना महागठबंधन में जरूरी है, ऐसा जानकारों का कहना है। ऐसी स्थिति में पप्पू यादव ने जो टकराव का रास्ता छोड़ा है तो निश्चित रूप से एक नया रास्ता बनता है जो कहीं ना कहीं कांग्रेस से होते हुए महागठबंधन की तरफ जाता है। 2020 में यह संभव नहीं हो पाया था, लेकिन अब जिस तरह की चीज़ें सामने आ रही हैं, पप्पू यादव ने खुलकर कहा है कि उनकी पत्नी राज्यसभा सांसद हैं कांग्रेस से, तो ऐसी स्थिति में उनकी प्रायोरिटी कांग्रेस है। अब देखना दिलचस्प होगा कि पप्पू यादव के इस बयान के बाद कांग्रेस और महागठबंधन का एक्शन और रिएक्शन क्या होता है। लेकिन कहीं ना कहीं पप्पू यादव ने तो अपने एक्शन प्लान का पूरा कागज जो है, अर्जी जो है, वो सामने रख दी है। जुड़े रहिए भारत लाइव के साथ, अगली खबर जल्दी ही आपके सामने होगी। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुवा मुफ्त में मिल जाए। अगर रुवा पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतनी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कली 9386816700। धन्यवाद।